पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के हाथ एक नया सुराग लगा है, जिसमें पुलिस ने देहरादून से 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सभी 6 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पंजाब के लिए रवाना हो गई है। खबरों के मुताबिक हिरासत में लिए 6 लोगों में से एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी बताया जा रहा है। बीते दिन रविवार शाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पंजाब पुलिस दोषियों की तलाश में जुटी है। सोमवार को पंजाब पुलिस ने नया गांव चौकी के पास उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से 6 लोगों को धर दबोचा। पंजाब पुलिस को संदेह है कि इनमें से एक सिद्धू मूसेवाला का कातिल है। हालांकि थोड़ी देर में सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम मनसा अस्पताल में होगा। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला की फैमिली ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब उनकी फैमिली ने हामी भर दी है। बताया जा रहा है कि परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस ने मनसा के केचिया इलाके में मनसुख ढाबे पर पहुंची, जहां लगे सीसीटीवी को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। सीसीटीवी में कुछ लड़के ढाबे में खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला के हत्यारे इसी ढाबे में खाना खाने के लिए रुके थे, जिसकी फुटेज पुलिस अपने साथ लेकर गई है। यह फुटेज 10 बजे की है। हालांकि फुटेज में दिख रहे लड़कों का हत्या में हाथ है या नहीं, इसकी जांच पुलिस को अभी करनी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला की सगाई कुछ महीने पहले ही हुई थी, इनकी शादी भी इसी साल होनी थी। इनकी मंगेतर पंजाब के संगरूर जिले की रहने वाली थी। इसके साथ ही वह पेशे से कनाडा में पीआर थी।